लेकिन दोस्तों ऐसे जीडी के फॉर्म अप्लाई के टाइम अपने मम्मी पापा सिग्नेचर फोटो ये सब आपने गलत भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये वीडियो का पूरा देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और दोस्तों जिन लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलती कर दिया उन सबको मैं बता दूं, आप सबके लिए दोस्तों करेक्शन विंडो कब तक ओपन हो जाएगा एसएससी की तरफ से, जिसमें दोस्तों आप करेक्शन कर सकते हो उसकी भी जानकारी दूंगा दोस्तों। और अभी तक टोटल कितना फॉर्म अप्लाई हो चुका है एसएससी जीडी में वो भी जानकारी दूंगा, कॉम्पिटिशन लेवल क्या रहने वाला है अबकी बार एसएससी जीडी 2023 में उसकी भी ए टू जेड पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और दोस्तों एसएससी जीडी में अब की बार 95 लाख कुछ फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, अलग अलग वेबसाइट के थ्रू जो जानकारी मिल रही है मुझे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने आरटीआई भी लगाया हुआ है, बहुत जल्द आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा जिसके थ्रू हमें यह पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में अब की बार कितना फॉर्म अप्लाई हो चुका है मेरे। लेकिन अलग अलग वेबसाइट के अकॉर्डिंग 95 लाख कुछ फॉर्म अप्लाई हुए हैं आपके 45,000 पोस्ट के लिए। तो आप समझ रहे हो कंपटीशन लेवल क्या रहने वाला है अब की बार एसएससी जीडी में, तो हमें पढ़ाई उसी लेवल से करना है। और किन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा किन लोगों का नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमें जो कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है उसके हिसाब से अपने भी तैयारी जबरदस्त करनी होगी। और तैयारी हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया आप एक ही बुक के बारे में बताते हो और कोई पब्लिकेशन का बुक नहीं है क्या, तो मैं आपके लिए और एक पब्लिकेशन का बुक लेके आ चुका हूं जो कि दोस्तों आपके चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, जो कि दोस्तों जिनके प्रैक्टिस सेट दोस्तों न्यू एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड है और बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों इतने अच्छे प्रैक्टिस सेट ही मैं बता दूं बेस्ट सेलर पे ये ट्रेंड कर रहे हैं। चक्षु पब्लिकेशन का जब आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे तब देखिएगा इसे गाइड बेस्ट सेलर पे ट्रेंड कर रहा है, मतलब दोस्तों बहुत ही अच्छा बुक है, 5 स्टार की रेटिंग है। तो आप चाहो इस बुक को परचेस कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे दोस्तों मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर चाहो तो आप चक्षु पब्लिकेशन की बुक और दोस्तों प्रैक्टिस सेट को भी खरीद सकते हो, उनकी गाइड भी अवेलेबल है और दोस्तों बेस्ट सेलर पे ट्रेंड कर, मतलब 5 स्टार रेटिंग है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच लेना, अगर आपको ये बुक लेना है तो आप ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है और दोस्तों न्यू एग्जाम के बेस पे है, तो बहुत ही आपकी मदद हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट इनके आ जाते हैं और दोस्तों ये गाइड भी अवेलेबल है मार्केट में, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं दोस्तों किन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा और किन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा क्या। दोस्तों देखिए जिन लोगों ने माइनर मिस्टेक किया, छोटा मोटा मिस्टेक किया, उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला, ये दोस्तों मैंने पहले ही आपको कंफर्म बता दिया था कि जिन लोगों ने छोटा मोटा मिस्टेक किया है माइनर मिस्टेक किया उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जिन लोगों ने हार्डली बहुत ज्यादा मिस्टेक किया उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। जैसे कल एक बच्चे ने कहा था कि भाई जहां मैंने रोल नंबर डालना चाहिए था वहां मैंने रोल नंबर डाला ही नहीं, मैंने मम्मी का नाम डाल दिया, ऐसा तो हो भी नहीं सकता है। और कितने लोग मतलब कॉमेडी कर रहे हैं मेरे साथ कि इंस्टाग्राम मुझे ऐसे ऐसे फोटो भेजते हैं, जो लोग एसएससी जीडी का फॉर्म है उसके ऊपर उन्होंने अलग से पी कार्ड से एडिट कर दिया है, फोटो लगा दी और मुझे वो भेज रहे हैं, मजाक चल रहा है क्या भाई। मतलब हार्डली बच्चों को जो इन प्रॉब्लम है उन लोगों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं नहीं कर पाऊं, लेकिन फालतू फालतू मुझे मैसेज आ रहे हैं तो मुझे बड़ा खराब लगा वो। तो दोस्तों मैं बता दूं एसएससी जीडी में जिन लोगों ने नाम के आगे डेट डाला है उनका कोई भी दिक्कत नहीं है, वो दोस्तों डेट डाला हो ना डाला हो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं। और दोस्तों मैं बता दूं अगर आपका 1 साल पुराना ही फोटो है जिसमें आपका सही से चेहरा पता चल रहा है, आपके एज के अकॉर्डिंग वो फोटो है, तो वो एक्सेप्टेबल है। वो दोस्तों मैंने खुद एसएससी जीडी में जब 2021 में फॉर्म अप्लाई किया था तो जो मेरा फोटो था वो 1 साल पुराना था, तो फिर भी तो एक्सेप्ट हो गया ना, तो मेरा फॉर्म तो सब कुछ आ गया, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई के टाइम मम्मी पापा का नाम गलती कर दिया तो ये दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग, मैं आपको बता दूं फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर आपने मम्मी पापा का नाम में गलती कर दी। इसका प्रॉब्लम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता चलेगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जब वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तब आपको वहां पे प्रॉब्लम होगा। ऐसे दोस्तों एसएससी जीडी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाता पापा मम्मी का नाम गलती होने से, तो वो आप याद रखना। और दोस्तों उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैट्रिक सर्टिफिकेट के अलग नाम है और आधार कार्ड में आपका अलग नाम है पापा का, तो दोस्तों किस हिसाब से फॉर्म भरना चाहिए तो उस हिसाब से दोस्तों आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो भी नाम है वही भरना चाहिए, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाओगे तो आप आधार कार्ड मांगता ही नहीं है। हमारे बीबीसीआर वाले सेंटर में आधार कार्ड मांग ही नहीं रहा था, मैं दोनों बार आधार नहीं मांगा, तो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट आधार कार्ड नहीं मांगता है मैट्रिक सर्टिफिकेट, उसके बाद दोस्तों आपके जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो मांग देता है, और दोस्तों ये आप अगर कोई करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो मांग देता है, अगर एनसीसी किया है तो वो मांगता है, बस आपके मतलब आधार कार्ड तो लेता ही नहीं। मेरे तो सेंटर में आधार कार्ड नहीं लिया था मेडिकल के टाइम पे, तो आधार कार्ड को हटाओ पहले दोस्तों, जो मैट्रिक सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग है उसी सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए था जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। और जो मम्मी पापा का नाम गलती होने से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, मैं आपको साफ साफ बता दूं फॉर्म आपका रिजेक्ट कब होगा, जब दोस्तों आपने कुछ ऐसा मिस्टेक किया होगा जो एसएससी के अकॉर्डिंग वो पकड़ सके। आपके पापा मम्मी का नाम में वो क्या करेगा, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकिन आपको उस टाइम प्रॉब्लम कि आपने गलत नाम भर दिया, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या करते हैं लोग तीन तीन आदमी देखते हैं वहां पे पूरा नाम मैचिंग होता है, फिर एक और फॉर्म भरा जाता है वहां पे। जिन लोगों ने एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए होंगे मतलब लास्ट वाले में जब आपके मेडिकल होते हैं, तो एसएससी का एक और फॉर्म होता है जहां पे एक ऑफिसर बैठा होता है जो कि आप पूरा देख के वेरीफाई करने के बाद वो फॉर्म सब फिलअप करता है, तो उस टाइम वो लोग और एक बार नाम पापा एड्रेस सब कुछ भरते हैं। तो दोस्तों उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जिन लोगों ने अब की बार मैट्रिक सर्टिफिकेट और पापा का नाम में गलती कर दी, लेकिन उन लोगों के लिए भी दोस्तों मैं एक उपाय बता देता हूं। अगर आपने ऐसा गलती किया है तो आप सबको एक कोर्ट ऑफ एफिडेविट बना लेना है,
वो आपको बना के लेके जाना है। देखिए कोर्ट ऑफ एफिडेविट एक्सेप्टेबल नहीं है एसएसजीडी में, लेकिन दोस्तों अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो अभी से कोई भी सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, इसका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पहले आपको नहीं बताना है, लेकिन अगर वो लोग पकड़ लेते हैं ऐसे कि गलती आपने किया है तो उस टाइम आप कोर्ट ऑफ एफिडेविट एक उन्हें दे सकते हो। और ये दोस्तों एफिडेविट मान्यता प्राप्त होता है, ऐसा बात नहीं कोर्ट के थ्रू ये बनाया क्यों गया है जब ये मान्यता प्राप्त नहीं है। तो बहुत बोलते मान्यता प्राप्त नहीं है, सौरभ भाई आप गलत बोल रहे हो, लेकिन ये मान्यता प्राप्त है। हर जगह जब डॉक्टर में गलती होता है तो ऐसे एक एफिडेविट आप बना के ले जा सकते हो और वहां पे भी आप दे सकते हो। अगर वो लोग रिजेक्ट करते हैं तो आप चाहो तो कोर्ट में केस भी कर सकते हो। केस में बहुत झंझट है भाई, मैंने नहीं किया था, बट आप चाहो तो कर सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन मेरे ख्याल से इतना वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो लोग भी समझते हैं जो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठे रहते हैं, बहुत ही अच्छे आदमी होते हैं, क्योंकि वो भी हमारे और आप जैसे ही हैं, तो वो लोग समझते हैं। तो उस टाइम हो जाएगा मम्मी पापा के नाम के अकॉर्डिंग आपका गलती होगा तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये हो गया आपका डाउट क्लियर। सिग्नेचर में दोस्तों किसी ने कैपिटल में किया किसी ने स्मॉल में किया है, नहीं होगा रिजेक्ट भाई, टेंशन मत लो। कैपिटल में भी किया तो एक्सेप्टेबल है, स्मॉल में भी किया तो एक्सेप्टेबल है, हो गया, टेंशन मत लो। फॉर्म रिजेक्ट कब होते हैं, रोल नंबर वोल नंबर में गलती हो जाता है, वो लोग मैच नहीं कर पाते हैं। फोटो में दोस्तों अब कुछ लोग ऐसे मतलब अलग अलग टाइप के हैं, तो उस टाइम में कुछ फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, वो फोटो के अकॉर्डिंग भी हो जाते हैं, क्योंकि फोटो ज्यादा पुराना होता है, शक्ल वाला पता नहीं चलता है। तो ऐसे जिसको पकड़ लेता है गलती में उसका लोग रिजेक्ट करते हैं। लेकिन मैं बताऊं 95 लाख बच्चों का फॉर्म अप्लाई हुआ है, इसमें दोस्तों कुछ ना कुछ तो मेजर गलती बहुत सारे बच्चों ने किया ही होगा। मैं आपको हमेशा बताऊं ऐसे जी के जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने जाओ तो खुद जाओ। और करेक्शन विंडो कब तक है दोस्तों, करेक्शन विंडो का मैं बता दूं, करेक्शन विंडो कोई भी दोस्तों जी के ना नोटिफिकेशन में कोई बात चल रही है ना दोस्तों इसके अकॉर्डिंग कोई भी दोस्तों अभी तक नया न्यूज बाहर निकल के आ रहा है। और डेट एक्सपेंड होने का दोस्तों कोई भी चांसेस नहीं, अभी तक एसएसजीडी के नोटिफिकेशन में चेक कर रहा था, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया एसएससी ने जिसमें वो लोग करेक्शन विंडो के बारे में बात कर रहे हो कि करेक्शन अभी विंडो आएगा और आपका मतलब फॉर्म करेक्शन हो पाएगा। लेकिन मतलब छोटे मोटे मिस्टेक में से पापा मम्मी का नाम में थोड़ा मोटा गलती हो गया है तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई भी उससे दिक्कत नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है उस टाइम कोर्ट ऑफ एफिडेविट बना के जाना, कोर्ट का एफिडेविट बना के जाना और उस टाइम पेश करना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट वो लोग एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू मान्यता प्राप्त है और वो एक करके जाना है। गलती हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप तो कुछ हो नहीं सकते। लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप टेंशन में पढ़ाई ना करो, पागल होके रहो, मेंटली स्ट्रेस रहो, बार बार उसी चीज को लिखते रहो तो उसके आप टेंशन बढ़ता है। अभी आपको मेन चीज स्टडी के ऊपर करना है। और मैं बता दूं कोई भी आपके पास बुक हो, ठीक है ना, कोई पब्लिकेशन का बुक हो, मैं बता दूं अग्रवाल पब्लिकेशन का हो, चक्सु का, किसी का भी बुक हो, अभी आपको मेन चीज है प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। जैसे भी करके दिन में एक से लेकर 2-3 प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। जो भी पब्लिकेशन का बुक है, मैं नहीं बोलता कोई यही पब्लिकेशन का बुक आपके लिए अच्छा है, जो भी पब्लिकेशन का आपके पास बुक है आप उसके प्रैक्टिस सेट लगाओ, सॉल्व पेपर लगाओ और देखो वही पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट से आपका नौकरी होगा, वही पब्लिकेशन से आपका इज्जत होगा। जो भी पब्लिकेशन का बुक है उसका प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, मॉक टेस्ट लगाओ, आपके लिए अभी बहुत जरूरी है, एसएससी के लिए वही अभी काफी है। फॉर्म में आपने गलती कर दिया तो कर दिया तो कर दिया, जैसे ही करेक्शन विंडो आता है मैं करेक्शन विंडो का आपको वीडियो जरूर अवेलेबल करूंगा, लेकिन अभी तक करेक्शन विंडो की कोई भी बात नहीं चल रही, अभी तक करेक्शन विंडो नहीं आया है। और दोस्तों आपके लिए और एक वीडियो बनाने वाला हूं जिस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, उसका लगाने से क्या होता है और नौकरी दोस्तों कैसे होता है और इसकी महत्व क्या है। और एक दोस्तों बनाऊंगा मॉक टेस्ट में आपके नंबर नहीं बढ़ रहे, और दोस्तों मैथ में जो जीरो है, जीरो से आप हीरो कैसे बन सकते हैं मैथ में, मतलब टोटल जो लोग टोटली मैथ में नहीं है तो वो कैसे 5, 6 या 10 नंबर ला सकते हैं मैथ में, काम चलाओ भर पास हो सकते हैं, उसके ऊपर ही तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले आपके भाई की। तो दोस्तों आप ऐसे ही दोस्तों सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, लाइक करते रहो और ऐसी इंफॉर्मेटिव आपका भाई लाते रहेगा। होपफुली बहुत जन का डाउट क्लियर हो गया होगा, डरो मत और डर के आगे जीत है। और आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, चाहो तो आप इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, पूर्व भारत माता की जय।